आज मैं आपके लिए लाई हूँ ऐसी डिजर्ट की रेसिपी जो बनता है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। इसको बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए 4 चीजें। ना ही इसके बारे में आपने कभी सुना होगा, ना ही आपने कभी देखा होगा और ना ही आपने कभी खाया होगा। ऐसी डिजर्ट की रेसिपी जो बनने में है बहुत ही आसान और खाने में है बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही क्रीमी, मैंगो से बनने वाली ये डिजर्ट की रेसिपी। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुस्मिता आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में, जिसका नाम है मेरी लाइफ मेरी वर्ल्ड। इस डिलीशियस डिजर्ट की रेसिपी को जानने के लिए पूरा रेसिपी को फॉलो कीजिए और अपने घर में एंजॉय कीजिए ये बिना गैस जलाए बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस मैंगो डिजर्ट की रेसिपी, जिसका नाम है प्योर मैंगो रेलिश। कैसे बनता है चलिए सीख लेते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 4 व्हाइट ब्रेड के स्लाइसेस, क्योंकि मैं 2 बनाऊंगी इसलिए मैंने 4 पीस लिया है। आप ज़्यादा बना रहे हो तो ज़्यादा लीजिए। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी 1 कटोरी, जिसे हमें कट कर लेना है ब्रेड को। हमें राउंड शेप में काटना है ब्रेड को। आप चाहें तो किसी ग्लास से भी इसे काट सकते हैं या तो किसी कुकी कटर से भी काट सकते हैं। ये कटोरी तो हमारे घर में इजीली अवेलेबल होती है, ऐसे ही हम काट के इसे साइड में रख लेंगे। यहाँ पर हमारे सारे ब्रेड्स ऐसे कट के रेडी हैं। अब इसे साइड में रखते हैं और नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर मैंने ले लिया एक ब्लेंडर जार, इसमें डालेंगे 2 कप दूध। यहाँ पर हमें एक मैंगो का मिक्सचर बनाना है, इसीलिए 2 कप दूध डाल रही हूँ। इसमें डालना है अभी 1 मैंगो को मैंने छील कर यहाँ पर छोटे छोटे काट लिए, इसको अभी डाल देंगे ब्लेंडर जार में। इसमें डालेंगे 2 छोटा चम्मच चीनी, इसे अच्छे से हमें ब्लेंड कर लेना है, 1 से 1.5 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पर हमारा मिक्सचर एकदम रेडी है, इसे अभी एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये जितना मिक्सचर बना है इससे आप 6 से 7 लोगों के लिए डिजर्ट बना सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही बना के आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कांच के ऐसे बाउल, इसी में हम अरेंज करेंगे अपना डिजर्ट। पहले हम लेंगे ये ब्रेड के स्लाइस और इसे इस मिक्सचर में डुबाएंगे अच्छे से। इसे अच्छे से हमें डुबा लेना है इस मिक्सचर में और इसे रख देंगे इस बाउल के नीचे हिस्से में। इसे ही दूसरा भी बना लेंगे, इसको भी ऐसे अच्छे से इस मिक्सचर में डुबाएंगे, उसके बाद अरेंज करेंगे बाउल के निचले हिस्से में। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ आम, मैंने यहाँ पर ऐसे क्यूब्स में काट लिया है आम को, थोड़ा थोड़ा डाल देंगे दोनों ही बाउल में। बहुत ही कम समय में बनने वाला ये रेसिपी है। इसके ऊपर डालेंगे वैनिला आइसक्रीम, ये है होममेड वैनिला आइसक्रीम। इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर जाएगा फिर से वही ब्रेड की स्लाइस, जिसे हम मिक्सचर में अच्छे से डुबाएंगे और इसके ऊपर लगा लेंगे। दोनों बाउल्स में ऐसे ही हमें करना है। इसके ऊपर फिर से डालेंगे कटा हुआ आम, दोनों में अच्छे से हम लगा लेंगे आम को। बहुत ही टेस्टी मजेदार सी रेसिपी है, इसे ट्राई जरूर से कीजिएगा। इसके ऊपर डालेंगे अभी वैनिला आइसक्रीम, क्रीमी क्रीमी वैनिला आइसक्रीम। इसको अच्छे से हमें कवर कर लेना है आइसक्रीम से। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स, बादाम, पिस्ता, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इससे बहुत अच्छा क्रंच आता है इस डिजर्ट में। यहाँ पर मैं ले रही हूँ थोड़े से ऐसे शुगर बल्ब्स, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप डालें, नहीं तो इसके बिना भी आप इसे बना सकते हैं। ये मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है, देखने में थोड़ा सुंदर लगता है। देखिए हमारे डिजर्ट बनके एकदम है तैयार, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी डिजर्ट एकदम 5 मिनट में तैयार हो गया है। इसे आप सर्व करिए तुरंत चिल्ड चिल्ड। अगर आपको कुछ देर बाद खाना हो तो इसे रख दीजिए फ्रीजर में, उसके बाद सर्व कीजिए।